नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में वह परिवार वालों के साथ मिलकर एक व्यक्ति के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। घटना सोमवार सुबह करीब 11 बजे की बताई जा रही है। पीड़ित व्यक्ति अनिल कुमार झारिया ने इस घटनाक्रम को लेकर नगर निगम के अधिकारियों से शिकायत की। बताया जा रहा है कि त्रिपुरी वार्ड में शासकीय जमीन को लेकर रविवार को भाजपा बूथ अध्यक्ष अमित द्विवेदी और अनिल कुमार झारिया के बीच विवाद हुआ था। जानकारी मिलते ही स्थानीय पार्षद सुनील पुरी गोस्वामी मौके पर पहुंची और विवाद को शांत करवाया। पार्षद ने तिलवारा थाना पुलिस को भी सूचना देकर मौके पर बुलाया, जिसके बाद हंगामा शांत हो गया था। सोमवार को त्रिपुरी वार्ड में रहने वाले द्विवेदी और झारिया परिवार फिर भिड़ गए। घटना शाहनाला के पास की है। यहां अनिल कुमार अपने घर के पास निर्माण करा रहे हैं। इस स्थान को भाजपा नेता अपना बता रहे थे। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में जमकर विवाद हुआ। गाली गलौज के बाद हालात ऐसे बन गए कि अनिल और अमित एक दूसरे से भिड़ गए और फिर दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। कुछ ही देर बाद अमित द्विवेदी के परिवार वाले भी मौके पर पहुंच गए और उसके बाद सरेरा अनिल कुमार के साथ मारपीट की गई। पीड़ित अनिल कुमार ने आरोप लगाया कि जिस जमीन पर हम 30 साल से रह रहे हैं, उस जमीन पर अमित द्विवेदी कब्जा करना चाहता है, वहां पर प्लॉट काट कर बेचना चाहता है। गढ़ा CSP देवेंद्र प्रताप सिंह ने पूरे मामले में जानकारी देते हुए बताया है कि मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में बॉयलर होने के बाद अनिल कुमार झारिया के भाई की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया और महिला सहित तीनों आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। सर, एक सोशल मीडिया में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कुछ घटनाक्रम है, कौन है भाजपा नेता जिस मारपीट करते नजर आ रहा है? एक सोशल मीडिया में आज वीडियो वायरल हुआ, जो पुलिस के संज्ञान में आते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई। जो जानकारी इसमें प्राप्त हुई है, ये पिंटू उर्फ अनिल झारिया के साथ मारपीट अमित द्विवेदी, संतोष द्विवेदी और शिवती द्विवेदी द्वारा की जा रही, जो कि उसको हाथ भूसे और चप्पलों से मारपीट करके गाली गलौज कर रहे हैं। और इस प्रकरण को संज्ञान में आने के बाद फरियादी सुनील झारिया की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। मारपीट और SC/ST एक्ट की धाराएं लगाई गई। और सर, वजह क्या है मारपीट की, किस कारणों से इस तरीके से मारा गया? मारपीट के संबंध में जो फरियादी ने बताया है, वो ये जानकारी दी है कि जिस व्यक्ति के साथ मारपीट की गई पिंटू झारिया के साथ, वो अपने घर के पीछे की झाड़ियों की कटाई वगैरह कर रहा था। तो कल उस बात को लेकर के अमित द्विवेदी वगैरह का कुछ विवाद हुआ था, आज उसी बात को लेकर के पुनः विवाद हुआ है और उस विवाद के कारण मारपीट की गई है। और सर, फरियादी ने एक चीज़ और बताई थी कि वो थाने पहुंचने वाला था तो भाजपा के नेता पार्षदों ने उसे जान से मारने की भी धमकी दी थी। और फरियादी ने ये चीज़ तो बताया है कि जो मारने वाले अमित द्विवेदी हैं, इन लोगों ने उसे धमकी दी है कि यदि थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराओगे इसलिए तो तुम्हें जान से ख़त्म कर देंगे। इस बात से जो है फरियादी अपने रिश्तेदारों के यहाँ चला गया है और उसके भाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई। सर, आगे भाजपा नेता जो है उनके विरुद्ध और क्या कार्रवाई की जाएंगी? इसमें अमित द्विवेदी का नाम प्रमुख रूप से सामने आया है मारपीट करने में। अमित द्विवेदी जो कि बूथ अध्यक्ष बताया जा रहा है, इसकी तलाश की जा रही है और सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ कितने आरोपी हैं? अभी 3 आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और वास्तविक रूप से अभी जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें मारपीट करते हुए 3 लोग दिख रहे हैं, उन 3 के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सर, भाजपा पार्षद एक सुनील गोस्वामी है जिसका नाम भी सामने आ रहा है, उसके विरुद्ध एक और वीडियो चल रहा है जिसके बारे में ये बताया गया है कि सुनील पुरी गोस्वामी जो कि पार्षद हैं, और वो वीडियो कल का बताया जा रहा है, उसके संबंध में भी जांच कर रहे हैं। उसमें फरियादी पिंटू झारिया स्वयं ये कहते हुए दिख रहे हैं कि ये हमारे घर की नाप नगर निगम के कर्मचारियों को लेकर के करा रहे हैं। उस वीडियो की भी जाँच की जा रही है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।